नींद सो रहे हो क्या? चैन की नींद सो रहे हो क्या? कोई नहीं सकता। सरकार के लोग जो हैं गनमैन, वो बीच में जा जाके लोगों की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले दिन दहाड़े, क्या नाम था उनका, सरोज चौधरी, सुधा चौधरी, सुधा चौधरी का दिन दहाड़े गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी गई, वो आप सबके सामने है। ट्रांसफर कराने में तो बिना पैसे का कुछ होना नहीं है। नदवई में नौकरी करवानी है तो पैसे दो, पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा, भुगतान नहीं होगा तो काम नहीं होगा, ये भी आपको मालूम है। कदम कदम पे भ्रष्टाचार। मेरे को यहां बताओ, कुछ तो किसान यहां बैठे होंगे, कोई किसान मेरे को बता दे कि जमीन के कागजात के लिए वो पटवारियों के पास या अपने दफ्तर में गया होगा तो क्या बिना पैसे के कागज मिले है? कोई नहीं मिले। हाँ, मुझे मालूम है कि हो ही नहीं सकता। और फिर बाद में आपसे यही पूछना चाहती हूं कि आज के दिन कोई बड़ी योजना है जो इस क्षेत्र के अंदर इन्होंने शुरुआत की है? कोई नहीं है। अभी एक कैनाल अपने भरतपुर वाले, अभी वो कैनाल जो भरतपुर के चारों ओर बना रहे हैं, वो चारों ओर बनाने का आप देख लीजिए जितनी चौड़ाई उस कैनाल की थी, आज उस कैनाल को कम चौड़ाई में काम करके उसको खत्म करना चाहते हैं। और उसकी गंदगी जो निकली है, जो अस्पताल के पीछे ढेरों ढेर खड़ा करके रख दिया है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, जिसकी बदबू शहर में फैल रही है, ये तो काम हो रहा है, ये काम है। और इसके ऊपर हम लोग उनको वोट देंगे क्या? क्या सोच सकते हो? मुफ्त इलाज की बात करके चिरंजीवी योजना टोटल फेल, वो आपने देखा हुआ है। अब मैं आपको ये भैया हूं, हां राजस्थान में हमने बहुत अच्छे काम किए। महंगाई सबसे पहले ऊंचाई के ऊपर है, बिजली की दर कहां से कहां बढ़ गई, आपको फ्री दे दिया है, परंतु फिर भी मैं बताती हूं कि वो ये अशोक गहलोत का काम है। फ्री कहते हैं परंतु बिजली फ्री नहीं है भाई, जिधर देखो अराजकता है और हर वर्ग सड़क पे उतर के आ गया है। नतीजा ये हो गया है कि लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। हमारे युवा रीट के परीक्षा के अंदर पूरी तरह से मारे गए हैं। आज ना उनका पैसा उनको वापस दिया गया है और ना कोई उनको नतीजा आया है। ये तो बच्चों की हालत है। मोदी जी के काम हमारी पूर्ववर्ती सरकार के साथ अगर हम लोगों ने मिला के दोनों काम कर दिए तो मोदी जी की झोली में सबसे पहले तो हम लोगों को राज्य सरकार की चुनाव जिता के देने हैं और उसके बाद हम लोगों को ध्यान देना है कि ये पार्टी वो पार्टी है जो राजनीतिक दल है, दिल जीतने के लिए निकली है। खाली बात करने से नहीं काम होता, दिल जीतकर जमीन के ऊपर काम करने का काम हम लोगों ने उसका बीड़ा उठाया है और ये पार्टी उसको करके जाएगी। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूं कि यहां एक एक व्यक्ति जो है वो ये संकल्प लेके जाएगा कि यहां से जाएगा, वो गांव में लोगों को बताएगा, अपने बूथों में बात करेगा और इस क्षेत्र के अंदर आप जो कैंडिडेट दोगे उसको जिता के वापस आपके झोले में डालने का वो काम करेगा। ये संकल्प लेके सब लोग यहां से जाएंगे और इसलिए दोनों जन हाथ ऊपर करके एक मेरा नारा देना, गिरिराज महाराज की जय, जय राजस्थान। आपको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद और मेरा विश्वास है कि संकल्प में आप पूरी तरह से खरा उतरोगे। धन्यवाद।